नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खोली खट्टर के शिक्षा तंत्र की पोल, कहा स्कूलों को बंद करके टीचर्स के पद खत्म कर रही है सरकार, बच्चों से वजीफा व शिक्षा का अधिकार छीन रही है बीजेपी। हरियाणा को अन्य राज्य नहीं बल्कि हुड्डा सरकार के शिक्षा मॉडल की जरूरत। हुड्डा सरकार के दौरान सिर्फ शिक्षा विभाग में हुई थी 1,00,000 से ज्यादा भर्तियां। हुड्डा सरकार के दौरान हरियाणा में 5 नए मेडिकल कॉलेज हुए थे स्थापित, 12 सरकारी, 15 डिम्ड विश्वविद्यालय, अलग अलग 80 कॉलेज हुए थे स्थापित। हुड्डा सरकार के दौरान हरियाणा में 503 तकनीकी संस्थान, लगभग 150 ITI और 2,500 स्कूल हुए स्थापित व अपग्रेड। हुड्डा सरकार में बने थे 36 आरोही, दर्जनों किसान और संस्कृति मॉडल स्कूल। हरियाणा के शिक्षा तंत्र और सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट करेगी आदमपुर की जनता। ये सरकार, ऐसी सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, 8.5 साल जिस सरकार को हो गए, जिस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा देश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बन गया, बेरोजगारी में नंबर एक, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास ठप हो गया, गांव से लेकर शहर तक, किसी गांव में किसी शहर में कोई बड़ी परियोजना, छोटी परियोजना, विकास की जो चमक होती थी हरियाणा में, देश में विकास में हम नंबर एक थे, आज विकास चौपट हो गया, बेरोजगारी में नंबर एक, ना निवेश हुआ, ना सरकारी रोजगार मिला, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट कर दिया। किसान, हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसान पे अत्याचार हुआ, किसान आंदोलन हुआ पूरा देश, पूरे देश में 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी, लेकिन किसी और प्रदेश में किसान पे ना लाठीचार्ज हुआ, ना आंसू गैस के गोले दागे गए, ना पानी की बुछारों के निशाने पे इस किसान को लिया गया। अगर अत्याचार हुआ और किसान का मजाक बनाया गया, किसान की कुर्बानी का मजाक बनाया गया, तो हरियाणा के अंदर बनाया गया। आज हर वर्ग, गरीब मध्यम वर्ग, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, 400 सिलेंडर 1,000 पार, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सब्जी से लेकर किसी भी जो है आम घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़, कल कोई मेरे को बता रहा था, मैं सब्जियों के वो ढूंढ रहा था, कह रहे थे भाई लौकी का चेक करना, लौकी का क्या क्या भाव चल रहा है बता देंगे आपको, 80 रुपये, और बालक गणेश जी खुश होके भी नहीं खाया करते, कुछ बचा ही नहीं। महंगाई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई ने, बेरोजगारी ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। त्रस्त हैं बीजेपी जेजेपी की सरकार से, बदलाव चाहते हैं हरियाणा के लोग, बदलाव चाहते हैं, आदमपुर की तरफ देख रहे हैं, इनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहते, ठीक कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा, इनको बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा मॉडल, दिल्ली के अंदर 8 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई, जैसे कि हरियाणा के अंदर नहीं हुई 8.5 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती, एक शिक्षक की भर्ती नहीं, एक नया स्कूल नहीं बनाया, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया, और स्कूलों के अंदर शिक्षकों की, प्रिंसिपलों की जितनी कमी दिल्ली के अंदर है उतनी हरियाणा के अंदर भी ना हो शायद, और स्कूल बंद कर रहे हैं, मर्ज करके बंद कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में बंद कर रहे हैं वैसे ही दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और यहाँ आके उपदेश दे रहे हैं। हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल नहीं चाहिए, हमें ऐसा शिक्षा का मॉडल चाहिए जो 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा के अंदर, जिस सरकार में 12 सरकारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बनी, जिस सरकार के अंदर 15 डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, जिस सरकार के अंदर 80 कॉलेज हरियाणा के अंदर बने, जिस सरकार के अंदर 150 ITI और पॉलिटेक्निक हरियाणा के अंदर बने, और जिस सरकार में 2,500 नए स्कूल बने, और जिस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 1,00,000 से ज्यादा केवल शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती हरियाणा के अंदर हुई, चाहे JBT की भर्ती हो, चाहे गेस्ट टीचरों की भर्ती हो, चाहे इन यूनिवर्सिटीज के अंदर होने वाली भर्ती हो, पिछली बार 1,00,000 से ज़्यादा भर्ती करी थी। मौका मिलेगा तो हरियाणा के अंदर शिक्षा की उसी तरीके से शिक्षा की भर्ती दोबारा से करने का काम करेंगे, और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वजीफा था बच्चों के लिए, SC वर्ग के, हमारे परिवार बैकवर्ड के परिवार, छत्तीस बिरादरी के गरीब, BPL के परिवारों के बच्चों के लिए, जो स्कूल के आगे आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी को शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए, और इसीलिए स्कूल में पहली से 12वीं क्लास तक वजीफा था। हुड्डा साहब ने सही कहा, हिसार में उस दिन कभी मौका मिलेगा तो दोबारा से कांग्रेस पार्टी
उस वजीफे को ना सिर्फ हर परिवार तक पहुंचाने का, लेकिन डंके की चोट पे और छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा वजीफा और देश में बड़े बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन कहीं मिलेगी तो हरियाणा के अंदर मिलेगी। ये हमारी लड़ाई, हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई, और इस लड़ाई को लोग भी स्वीकारते हैं, लोग भी इस सरकार को नकार चुके हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।